आपको फाइवर के ऊपर क्लाइंट से रिव्यू मांगना चाहिए या नहीं कि आप उसको ये मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज़ लीव द रिव्यू और लीव द फीडबैक अब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की कशमाकश फेसबुक ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया पर चल रही है कोई कहता है कि मांग लो रिव्यू कुछ भी नहीं होता कोई कहता है नहीं मांगना चाहिए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा कि मेरे आठ साल की फ्रीलैंसिंग एक्सपीरियंस में मैंने इस चीज़ को कैसा पाया असलम तो कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज सबसे पहले आपको फ्रीलैंसिंग में ख़ास तौर पर फाइवर प्लेटफॉर्म के एलगोरिदम को समझने की ज़रूरत है फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है वो बॉट सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इट मीन्स ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके एलगोरिदम को ट्रिगर करती हैं और ट्रिगर करने के बाद वो कुछ एक पर्टिकुलर एक्शन लेता है मिसाल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कीवर्ड फाइबर एल्गोदम के अंदर मौजूद हैं अगर वो आप कीवर्ड्स अपनी चैट्स के अंदर यूज़ करते हैं अपनी प्रोफाइल्स के अंदर कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो वो बॉट सिस्टम को ट्रिगर करते हैं जिससे अगर आप वो रिपीटेडली करते हैं तो आपका अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाता है मीन्स ये कि अंडर रिव्यू जब आपका अकाउंट जाता है तो वो कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं डालता वो फाइबर का बॉट सिस्टम डालता है और अंडर रिव्यू में लिखा होता है कि हमारी प्रोफेशनल टीम इस चीज़ को रिव्यू करेगी यानी प्रोफेशनल टीम आपकी उनकी वो रिव्यू करती है नहीं करती लेकिन जब अंडर रिव्यू चल जाता है तो आपके अकाउंट के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अब फाइवर के ऊपर रिव्यू मांगना उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है अब बहुत सारे कहते हैं कि भाई आप रिव्यू मांग सकते हो फाइव स्टार रेटिंग नहीं मांग सकते अपनी मर्जी का रिव्यू नहीं मांग सकते तो जब आपने वर्ड जो से रिपीटेडली रिव्यू या फीडबैक इस टाइप के कीवर्ड यूज़ करना शुरू कर दिए तो फाइबर का बॉट सिस्टम आपके टाइम बाय टाइम जो सा वो चीज़ें ट्रिगर करता जाएगा और वार्निंग्स आपके अकाउंट के साथ अटैच करता जाएगा वो अकाउंट वार्निंग्स आपको आपके अकाउंट के ऊपर तो शो नहीं होंगी लेकिन वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी और इवेंचुअली वो जो एक ट्रिगर होता है जब वो अपनी लिमिट्स को रीच आउट हो जाता है तो और उसके बाद होता यह है कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू चला जाता है अब जब आपको फजूल में आपको अकाउंट अंडर रिव्यू चला गया आपने कोई इतनी बड़ी वायलेशन ही नहीं की थी तो क्या ज़रूरत है आपको किसी क्लाइंट को बार बार कहने की कि मुझे रिव्यू दे दें मैंने अपने एक्सपीरियंसिस में बहुत सारे क्लाइंट से रिव्यू लिए हैं लेकिन वो इस तरह उनको कह कर रिव्यू नहीं लिए उस मैं उनको हमेशा कहता हूँ प्लीज़ शेयर यूअर व्यू अबाउट मी नॉट रिव्यू व्यू अबाउट मी वी आई ई डब्ल्यू व्यू अबाउट मी लाइक हाउ डिड यू फील वर्किंग विद मी मतलब ये कि आप क्लाइंट को जानबूझ के कहते हो कि यार तुम अपना व्यू शेयर करो कि तुम तुम्हें मेरे साथ काम करना कैसा लगा और ये मैं उसको चैट में कहता हूँ ना कि मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई साहब मेरी प्रोफाइल पे जाओ और रिव्यू दे दो ठीक है इट मीन्स ये कि Fiverr का जो एल्गोरिदम है वो भी ट्रिगर नहीं करता मैंने किसी भी फाइबर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी वायोलेट नहीं कर और अल्टीमेटली ये होता है कि क्लाइंट जाके अपना ना सिर्फ चैट के अंदर रिव्यू शेयर करता है बल्कि उसके जहन में एक दफ़ा जाती है जैसे ही वो ऑर्डर क्लियर करने लगता है वो लाजमी जाकर रिव्यू देता है तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि, कि आपने कैसे रिव्यू मांगना है और मैं अगेन एंड अगेन वार्न करूंगा लोगों की बातों में ना आइएगा ऐसे रिव्यूज़ और फीडबैक के वर्ड आप लोग यूज़ करते रहे आपकी प्रोफाइल ट्रिगर होती जाएगी वार्निंग्स लगती जाएंगी और एक वक्त आएगा अंडर रिव्यू चली जाएगी बेहतर यह है कि बग़ैर देखें रिव्यू के बग़ैर भी आपका गुज़ारा हो जाता है आपकी जो प्रोफाइल की रैंकिंग के अंदर मदद करती है चीज़ वो प्राइवेट फीडबैक होता है ना कि जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक शो शोर होता है वो तो बेहतर ये है कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ना अपना सर को खपाएंगे कोशिश करेंगे क्लाइंट रिव्यू प्लेस करके जाए ऑल दो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर वो रिव्यू प्लेस कर देते है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन अपना नुकसान करने से बचें जानबूझ के क्लाइंट को रिव्यू का ना हक है होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी आपके जहन में कोई सवाल हैं तो जरूर, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा इन मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवाल के जवाब दे सको इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि